अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन तबस्सुम है। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इस दाल को सूखे सालनों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप तुअर दाल। आप इसमें चने की दाल भी मिलाकर ले सकते हैं, यानी कि आधी तुअर की दाल आधी चना दाल भी मिलाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 पानी को तुअर दाल को ना धो के लेके आके रखी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, अदरक लहसुन 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, हरा धनिया थोड़ा सा, 5 से 6 हरी मिर्च और कलिया पाक। हरी मिर्च को मैं टुकड़े बनाकर ऐसे डाल रही हूँ तोड़ के। तो दाल में हम ये सब डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको लगा देंगे ढक्कन कुकर को। कुकर में जल्दी गल जाती है दाल। अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो आप पानी डाल दीजिएगा, ऐसे ही सेम ऐसे ही पकाना है हमें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इमली, 1 मुट्ठी इमली है ये। तो पानी में हम भिगा के रखेंगे, इसका पल्प जो होता है ना निकाल के साइड में रख लेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे इमली भीगने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कुकर चढ़ा दी चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 सीटी में जो है ना दाल गल जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, सीटी 3 से 4 हो चुकी है। और मैं स्टोव को ऑफ करने के बाद ऐसे चम्मच लगा दी ताकि जो भी उसका भाप वगैरह हो निकल जाए। तो आराम से खोलना है हमें ढक्कन। तो आप देख सकते हैं दाल जो है ना अच्छे से गल चुकी है, तकरीबन 90% तक गल चुकी है। सिर्फ हमें इसे दाल को घेटना है, या आप ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं, यहाँ पर ब्लेंडर हो तो ब्लेंडर से भी आप पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल घेटने से उसी से घोट रही हूँ। तो हम अच्छे से दाल को घेट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल जो है ना अच्छे से बारीक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। ये देखिए इस तरीके से मैं निकाल के रखी थी। अब इसमें हम खट्टा डालेंगे, ये इमली का लास्ट में जो है ना कचरा होता है। तो ये देखिए इसको साइड में रख देंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे। अभी दाल जो है ना गाढ़ी है तो हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए, तो इसमें पानी, फिर पकने के बाद भी जो है ना दाल गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें अब पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाली, फिर खट्टा डालने के बाद। तो अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि नमक डालने से ना दाल नहीं गलती बोलते हैं। जैसा कि घर के बड़े मेरे अम्मी हो या मेरे सासुमा हो तो ऐसा ही बोलते हैं, तो मैं वैसे ही जैसा वो लोग बताए मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। एक चम्मच नमक है, हसबे ज़रूरत आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो दाल को टेस्ट कर लेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं टेस्ट भी कर ली थी, बराबर था। तो इसमें डाल लेंगे थोड़े से कलिया पाक और हरी मिर्च और हरा धनिया। तो अच्छे से मिला लेंगे नमक को। साइड से भी दाल वगैरह लगी होती है ना, उसको भी साफ कर लेंगे ऐसे ही। ये जो हरी मिर्च का कलर है ना चेंज होने तक हमें पकाना है। तो चूल्हे पे मैं रख दी थी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसको ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं ढकना है क्योंकि दाल उबल कर गिर जाती है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, दाल पक रही है ऐसे ही। मैं मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। तो मैं आपको हरी मिर्च निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कलर कैसे चेंज हो चुका है। बस हमारा जो इमली का खट्टा है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम जो है ना दाल को बघारने की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि दावतों में खाए जैसा महसूस होता, दाल उतनी मज़े की बनती है। किसी दावत में हम बघारे खाने के साथ सूखा सालन हो उसके साथ ना मज़ा आता है दाल का, वैसे ही ये दाल बनती है। तो 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद फिर मैं दाल को बघा रही हूँ। दो बड़े चम्मच तेल ले लेंगे,
एक चम्मच भर के ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तभी मुर्गियाँ सब चिल्लाते हैं, तो यहाँ पर एक चम्मच राय भी डाल रही हूँ। अभी ज़ीरा और राई फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अगर आपके पास लाल सूखी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ऐसी भी हरी मिर्ची फ्राई करी हुई। तो अब हम स्टोव ऑफ करने के बाद कड़ी पत्ता कलिया पाक डालेंगे। स्टोव ऑफ करने के बाद कभी भी ख्याल रखें कुछ भी हम डालना तो ऊपर से ढक्कन ढक देना है ताकि तेल की छींटे हमारे ऊपर ना उठे। तो ये देखिए दाल में डाल दी, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है ज़रूर बताइए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी हुई है ना दाल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।